हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल 38000। अस्टेनली लाइफ स्टाइल लिमिटेड आईपीओ की आज लिस्टिंग से लिस्टिंग बहुत ही शानदार मिला है। 34.13% प्रीमियम के साथ 496.95 पर लिस्ट हुई है, यानी कि लगभग 495 पर लिस्ट हुआ। लिस्टिंग बहुत अच्छा मिला, लिस्टिंग भी बहुत ही शानदार मिला। आज की भी जीएमपी की देखिए तो इसकी जो जीएमपी चल रही थी आज 46.88% चल रही थी, 542 पर ट्रेड कर रही थी। हम लोगों ने कल क्लियर डिस्कशन किया था 28% से लेकर के 65% प्रीमियम के बीच में, 55% प्रीमियम के बीच में लिस्ट हो सकती है। इसकी लिस्टिंग गेन जो मिला हमें 34.13% की लिस्टिंग गेन मिला। लिस्टिंग गेन के बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई और बहुत ही तेजी से प्रॉफिट बुकिंग आई है। अभी निवेशकों को क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पर होल्ड करना चाहिए, फिर यहाँ पर जो लिस्टिंग गेन के लेकर के आउट हो गए वो तो आउट हो ही गए, लेकिन जो होल्ड कर रहे हैं तो उन्हें कितना समय तक के लिए होल्ड करना है या फिर कहाँ पे स्टॉप लॉस लगा करके होल्ड करना है। मे बी यहाँ पर 2-4-10 दिन के अंदर अगर एक बड़ा डाउनफॉल आया और जो हमें प्रॉफिट मिला वो पूरा का पूरा जीरो हो गया, फिर या फिर हम लोग लॉस में चले गए तो एक बड़ी क्वेश्चन मार्क है। मैं इसमें फ्रेश एंट्री की हूँ क्योंकि मुझे आईपीओ अलॉट नहीं हुए थे। मैं यहाँ पर प्री ओपनिंग सेशन भी इसको बाय की थी और 498 के समथिंग जो मुझे मिला है आईपीओ, और अभी भी मैं इसे होल्ड करने वाला हूँ। थोड़ा सा इसे लॉन्ग टर्म के लिए ले जाऊँ, लगभग 1-2 साल के लिए ले जाने वाली हूँ, लेकिन एक रिस्क रिवार्ड है मेरे पास प्रॉपरली। तो अगर उस रिस्क के हिसाब से मुझे लॉस हो जाता है तो फिर मुझे यहाँ से आउट होना पड़ेगा। अभी यहाँ पर हम लोग इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा यहाँ पर 9 महीने के अंदर यहाँ पर देखें तो 3 साल बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन 9 महीने के अंदर इसकी प्रॉफिट लगभग घट करके आधी रह गई, 34.98 करोड़ से घट करके 18.70 करोड़ पर रह गया है। लेकिन इसके मुकाबले में बेहतर है, रेवेन्यू भी अच्छा ग्रो किया है, एसेट में भी अच्छा वृद्धि है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इसकी ठीक ठाक ही है। डेट पर इक्विटी रेशियो 0.86 है जो की कुछ खास नहीं है, तो फाइनेंशियली ये ठीक है। बात करें इसकी बिजनेस की तो ये सुपर प्रीमियम लग्जरी एंड अल्ट्रा लग्जरी फर्नीचर का मैन्युफैक्चरिंग डिजाइनिंग एंड इसको सेलिंग करते हैं अपने ब्रांड अस्टेनली के तहत। कई तरीके के इसके पास फर्नीचर हैं, सोफा, बेड्स, रिक्लीनर्स एंड डाइनिंग चेयर्स इत्यादि बहुत सारे इसके पास है जो फर्नीचर है जिसको ये अपने ब्रांड अस्टेनली के तहत बेचती है। तो बिजनेस में भी कोई दिक्कत नहीं, फाइनेंशियली भी ठीक ठाक ही है, फाइनेंशियली इसमें बहुत ज्यादा वीकनेस नहीं, ठीक है। एंड इसमें जो टोटल सब्सक्रिप्शन हुआ है लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया था, 97.16 गुना का सब्सक्रिप्शन हुआ है, तो लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है इस आईपीओ में। तो हम लोग इसमें जो हमें प्रॉफिट मिल चुकी है 34.13% की जो हमें प्रॉफिट मिल चुकी है उस पे हम लोग यहाँ पर 20% का रिस्क लेने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग 20% के रिस्क लेंगे तो हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आ रही है 390 का लेवल निकल के आ रही है, 390.95 का। तो अगर किसी भी वजह से 390 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है, 390-395 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है, हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ से आउट होने की, बेहतर रहेगा क्योंकि जो हमें यहाँ पर प्रॉफिट मिल चुकी है तो इसे पूरा का पूरा जीरो नहीं करना है। इसकी कट ऑफ प्राइस है 369 पर हम लोग रिस्क ले रहे हैं, तो पर शेयर हमें 21 रुपये की प्रॉफिट होगा। तो एक अच्छा हमारे पास प्रॉफिट बच जाएंगे, पूरा का पूरा जीरो नहीं करना, लेकिन जो हमने रिस्क लिया है अगर उसके अगेंस्ट में हमें यहाँ पर 50-60% की बेनिफिट मिल जाती है तो फिर हम लोग वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए प्लान करेंगे या फिर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा महंगा बाय कर ली हूँ, 498 को मेरा एंट्री हुआ है, तो मैं भी 390 के पास में स्टॉप लॉस लगा करके होल्ड कर रही हूँ। अगर ये अगेंस्ट में चला जाता है तो मुझे यहाँ पर 20% का नुकसान होगा, अगर हमारे फेवर में आ जाता है तो 40-50%, 60% इजीली बेनिफिट देने वाला। आई थिंक सर पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे, यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।